हम आए हैं कोरोना टेस्ट के लिए, शायद हमें कोरोना हुआ है, ये नहीं, शायद हुआ है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हमारे स्कूल में कोरोना फैल गया है, और जिससे सब बच्चों को किसी के मतलब कि सिम्टम्स हो या ना हो, किसी को उसके लक्षण, किसी को बुखार या फिर गला दर्द कर रहा हो ना कर रहा हो, करवाना जरूरी है। अबे इसको भी अभी आना था कुछ ही ग्रह से इधर देखो कोरोना का बिरामी को हॉस्पिटल ले जा रहा है। तो आज हम कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आए थे, यहीं एक सेंटर लगा है, उसमें एक हमारी जो राड़ है, एक उसमें कहीं में डिब्बी सी में ली गई, और उसे फिर टेस्ट करके शायद कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर अगर हम पॉजिटिव निकले तो हमें स्कूल की छुट्टी, अगर पॉजिटिव ना भी निकले निगेटिव निकले तो फिर भी हमारी 20 तारीख तक छुट्टी है, हमें स्कूल में आने पर भी बंद कर रखा है, क्योंकि करोना लगभग अब तक 7-8 लड़कों के मतलब कि पॉजिटिव आ गया, और हमें काम करने के लिए भी हम जॉब भी नहीं कर सकते, घर पे रहना है, ऑनलाइन प्रॉब्लम आ गई, हमें हमारी कोई हेल्प करो। ठीक है ठीक है, देखो उधर हमारा टेस्ट हुआ है, इधर देखो हो गया, अकेले चल रहे हैं, हमारा काम होगा, जो 2 मिनट लगी थी, इनको अपना ही राल देनी थी उसमें एक डिब्बे में, और हम चल रहे हैं, और ये शायद स्कूल के या टीचर को कांटेक्ट करेंगे कल हमारा जो रिजल्ट होगा। हेलो गाइस, आई एम माधव स्वेदी, आई एम फ्रॉम नेपाल, एंड टुडे वी आर इन पीसीआर टेस्ट राइट नाउ, यू आर लुकिंग जस्ट यू नो वी हैव टू जस्ट थ्रो सैलिवा फ्रॉम आवर माउथ इन आवर ट्यूब, एंड आई थिंक द सैलिवा द नॉर्मल सैलिवा विल बी 5 ml अबव 5 ml, एंड वो भी बता दे कि निकल ही नहीं रहा था जितना उनको चाहिए था। फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाउ आई हैव ईटिंग नथिंग, सो दैट्स व्हाई द सलाइवा डजंट कम फ्रॉम द माउथ एंड इट टेक्स अ लॉट टाइम, दैट्स ऑल, एंड वी होप द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, बट आवर थॉट आवर थिंकिंग विल बी पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव, दैट्स अ पॉइंट, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओके, आ गया अंदर से, इसका भी हो गया, ये पीसीआर नहीं निकलने आया, हो गया, रिजल्ट कब तक आएगा? पता नहीं, कब तक आएगा? किसे आएगा? कब आएगा? आएगा सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपकी तो ये भी फट गई, ये देखो क्या हो गया, जापान में गरीबी आ गई। तो आपने पीसीआर टेस्ट हुआ है आपका? हाँ भाई हो गया। कैसे कैसे हुआ? ये भाई एक स्त्रो देता है, एक नीला पानी अंदर डाल के उसे वापस थूकना पड़ता है। नीला पानी रेड रेड था शायद। नीला आपका नीला था? नीला ओ नून होता है ना, नून शिवा शिवा। अच्छा अच्छा, आपने पिया वो पिया था मैं वहाँ पे लिख रहा था उसको पीना, इसने वो लिया और डाल दिया। अच्छा, उसका जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो मोंदा है ना पहले राजा इस मोंदा है ना बोट है, हम इसकी दूसरी साइड में बैक साइड में आ गए, हमें पता नहीं था, तो हम घूम के आप जाएंगे उधर से, जो बड़ा जहाज खड़ा है शायद कैमरे में दिखाई ना दे रहा होगा, अब वहाँ घूमते हुए जाएंगे और देखेंगे कि बोट में अगर चढ़ सकते हैं, कि अगर चढ़ेंगे तो मतलब कि अगर टिकट खरीद सकते हैं तो चढ़ेंगे भी हम, फिर वीडियो में आएंगे और चल के देखते हैं उधर फिर कैसा है, कुछ खाने वाने का भी, जापान के खामी सामान देखे हुए ऐसे निहोन नो खामी सामान
तो अभी हम अभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के चले हैं। हमारा PCR मतलब कि ख़त्म हो गया था, वो पहले बताया था। और अभी एक कोई नेपाल का रेस्टोरेंट है खजाना करके, खजाना, वो लूटने के लिए चल रहे हैं। वहाँ पे पता है कि बिरयानी वगैरह, नान और ऐसी वो मतलब कि फेमस है थोड़ा सा। जो लड़का अक्सर वहाँ जाता है और उसने बताया ये सब। और चार नेपाल से है लड़के और मैं हूँ एक। और अब चल रहे हैं हम। तो पहले मैं देखो PCR के लिए आया था, तो इस जगह पे मैं पहली बार आया था। जो मेरे पीछे फुकुओका सेंटर है दिख रहा है बड़ा सा, मैं गलती से यहाँ आ गया। और फिर वापस मैं किसी से पूछा कि भाई ये जगह कहाँ पड़ती है। मेरा 10 बजे से वहाँ पे मैंने बुकिंग कराई है टेस्ट के लिए। और मैं 10 बजे, मुझे यहीं बज गए थे, मैं 10:15 पे गया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब भी हो जाएगा। और वहाँ से 5 मिनट लगेगी, उन्होंने कहा कि आधा घंटा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ से ओनली 5 मिनट लगी थी। और 5 मिनट में ख़त्म होने के बाद में फिर हम वापस आ गए थे। तो भाई जो हमने क्यों उसके कोरोना की जो टेस्ट PCR टेस्ट करवाया था, तो उसका रिजल्ट आएगा। उसका जो रिजल्ट आया वो पहले बताता था कि स्टूडेंट के पास नहीं आया, वो सीधा स्कूल में उसका रिजल्ट पता चलेगा, मतलब कि वहीं कॉन्टैक्ट करेंगे हॉस्पिटल वाले। और तो भाई उसका रिजल्ट आया कि सब कुछ ठीक है, हमें कोरोना नहीं हुआ है, हम अपना काम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कर रहे थे। मतलब कि स्कूल भी जा सकते हैं, कहीं किसी से मतलब कि मिल चल भी सकते हैं। कोरोना ड्यूरेशन के ना तो किसी से मिल सकते हैं, ना आप सुपरमार्केट में कहीं जा सकते हैं, आपको अकेला रहना होता है। तो ये सारे ये कुछ रोल फॉलो करने होते हैं, लेकिन हम सही है, हम सेफ है बिल्कुल आपकी दुआ से। तो अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो अब हमारा स्कूल फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन थोड़े दिन के बाद स्कूल भी खुल जाएगा, फिर हम स्कूल में भी जाना स्टार्ट कर देंगे। और फिलहाल तो अभी स्कूल 24 तारीख तक बंद है, 24 तारीख में जाना है स्कूल में। और फिर 24 तारीख में 1 घंटे के लिए जाना है, वहाँ पे कुछ एक मतलब कि स्टूडेंट को बताया जाएगा कि कैसे कैसे पढ़ाई होगी, जो जितना कोर्स कम हुआ है, मतलब कि छुट्टी के में जितना कोर्स होना था वो नहीं हो पाया है, अब उस वो कैसे होगा, जल्दी जल्दी से कोर्स कैसे होगा, और इतनी सारी एबसेंट लगी उनकी भरपाई कैसे होगी, वो सारी बात होकर कोरोना से अब नया जो कोरोना आया है उससे क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो ये सारी बातें होगी। और फिर दोबारा से क्लास हमारी 27 तारीख में से होने के बाद में शायद फिर तो अगर कोरोना का मरीज स्कूल से ना निकले तो फिर तो शायद ठीक प्रॉपर ऐसे ही चलेगी। अगर नहीं, अगर वो होगी तो अगर कोरोना का पेशेंट फिर निकला स्कूल से, तो वहाँ पे अब की बार हमारी जो समर वैकेशन होती है वो भी कैंसिल हो जाएगी। उसकी मतलब कि जो अगर कोरोना के मरीज निकले तो 14 दिन की छुट्टी होती है, 14 मतलब कि 2 वीक की छुट्टी होती है, 2 वीक की समर वैकेशन की होती है। तो अब छुट्टी हो जाएगी कोरोना की वजह से, और फिर वह समर वैकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ऐसे एक्सप्लेनेशन सर ऐसी कुछ बात होगी। तो चलो मिलते हैं फिर, बताते हैं आपको क्या होता है स्कूल खुलने के बाद। तब तक के लिए तो जो चैनल देखते हैं सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, अगर अच्छी लगे, ना अच्छी लगे तो भी कर दिया करो। और अगर किसी को कुछ करो ना जापान के बारे में कुछ पूछना हो तो कोई भी कमेंट करके पूछ सकता है। और आप भी सब सुरक्षित रहो, कोरोना बहुत फैल रहा है। जो जिसका वैक्सीन लग गई उसे उसका भी कोरोना फैलता है, क्योंकि यह नया वर्जन आया डेल्टा पेल्टा पता नहीं क्या क्या आ रहा है, अल्फा बीटा गामा के आ रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि कोरोना लगने के बाद भी कि 4 या 5 दिन तक पता नहीं चलता, ना तो बुखार आता ना फिर बिल्कुल नॉर्मल आदमी रहता है, फिर 5 दिन के बाद पता चलता है। अब कोरोना लगने के बाद 5 दिन तक सबसे बात करता है, तो बात करते रह गए तो फिर सबसे वही होगा, उनके भी फैल जाएगा। तो इस कुछ नया वर्जन आ रहा है ये कोरोना का, तो सब इससे बच के रहो जितना हो सके। यार दोस्तों तभी 1 मीटर की दूरी बना के रखो, मास्क रखो और हाथ हाथों से साफ करते रखो। चलो कोई नहीं, बच ही रहोगे ये सारा काम करने तक। ओके चलो, ओके बाय बाय।